है, इन लोगों ने तन मन धन तो उसका साथ दिया, लोग तो साथ दे दे इसे से उम्मीदवार का, फिर ये उम्मीदवार तो टोए ना पाते, पत्रकार में होता है जुलम की बात तो यह है। ऐसे हमारे आदरणीय भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हमारे ताऊ वो भी नूचा है भाई, इतना मैं रहा हूँ, मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री, फिर मेरा बेटा भाई भाई साहब जगबीर मलिक मारा ताऊ है, बुढ़ा है भाई, सम्मान के लायक है। मैं तो भाई इस कुर्सी पे नू मरूंगा भाई, बता भाई इसी राजनीति हो रही है नू, हम तो कति दादा लाई कुर्सी समझ रहे इसने। राम राम जी सारा, मैं आपका अपना वी के सुनोत कुमार स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज जा रहे हैं भाई फौजी भाई दौरे, फौजी भाई है और उसका इंटरव्यू लेंगे, राजनीति का माहौल किसा के चल रहा है और भाई कौन सा प्रत्याशी आगे है, किसका ज्यादा जोर है, ये सारी उस तो पूछे हैं फौजी भाई थे। तो चलो भाई आ जाओ फौजी साहब। राम राम भाई, राम राम। तो भाई को भाई नमस्कार। हाँ बताओ भाई। तो भाई साहब नु बताओ आपके यहाँ पे किसा के माहौल चल रहा है इलेक्शन? भाई हरियाणा में जो इलेक्शन का माहौल है ना, बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अच्छा। वैसे जाड्या मौसम आने लग रहा है। अच्छा, पर इलेक्शन की गर्मी जबरदस्त हो रही है उम्मीदवारों में। अच्छा, जाड्डे में भी गर्मी आ रही है? कति जाड्डे में गर्मी आ रही है इलेक्शन। अच्छा, की तो ये भी बताओ को मैन तो पार्टी है अपनी, देख बीजेपी है कांग्रेस है, इनने की टक्कर बताओ आपके अनुसार किस किस में टक्कर चल रही है? भाई ने जो टक्कर है ना हरियाणा में, अच्छा, वह पार्टिया ने कोई पार्टिया की टक्कर कितने दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अच्छा, 10 साल का राज करगी भाई लगातार कांग्रेस पार्टी। अच्छा, और 10 साल हो गए राज करते हुए बीजेपी पार्टी। अच्छा, इस कांग्रेस पार्टी भी यह हमने बनाई थी। अच्छा, और यह बीजेपी पार्टी भी हमने बनाई थी। अच्छा, और ये दोनों पार्टी नु बनाई थी भाई 10 साल आदरणीय हुड्डा साहब के राज दा परेशान हो गए। अच्छा, लोगों ने विश्वास कराया था हरियाणा में कि भाई एक नई पार्टी आई है। अच्छा, भाई नोर देख लें। अच्छा, ये भाई कुछ करेंगे और तो भला हो जाएगा इस जनता का। अच्छा, पर भाई 10 साल में ना तो हुड्डा साहब ने कोई काम करे। अच्छा, करे होंगे तो व्यक्ति विशेष के काम करे होंगे, पत्रकार साहब। अच्छा जी, जो नौकरिया में जो बंदरबाट हुई। अच्छा, वह भाई व्यक्ति विशेष, हर घर को नौकरी नहीं मिली थी। अच्छा, भाई एक घर में तो 5-5 लाग गए। अच्छा, 4-4 लाग गए। अच्छा, या भाई बहुत गलत बात हुई थी। अच्छा, और एक जो कांग्रेस समय के इतने बड़े घोटाले आपने देखा होगा इस हिंदुस्तान में, इतने घोटाले कभी भी नहीं हुए जो कांग्रेस के 10 साल के समय में बड़े बड़े घोटाले हुए थे। तो लोग हमने बदलाव करे, बदलाव करे, बदलाव करके फिर बीजेपी लेकर आए। हाँ, फिर तो, पत्रकार में फिर बीजेपी पार्टी आएगी 10 साल। अच्छा, यो दुष्यंत चौटाला एक नया चेहरा आया था। अच्छा, यो बना के और किसान हितेशी कह के यो लोगा की वोट दे दी। अच्छा, और फिर यो बैठ गया बीजेपी पार्टी में जा गए। सरकार ठीक ठाक ही नहीं चली, ठीक इतनी चली कि एक भी वर्ग ऐसा नहीं था जो रोड़ा पे ना बैठा हो। अच्छा, हर वर्ग कोई ने रोड़ा पे लौटा दिया भाई साहब। अग्निवीर की स्कीम ले गए हम तो भाई, इस वजह से पेंशन आए थे कि भाई हमारी जगह और कोई भाई जाओगा, उनका घर परिवार चल लेगा। पर नजर पूरा देश का कति बेड़ा एगर कर दिया भाई। तो फौजी साहब नु बताओ, आप फौजी हो अनु है, ये भी इस जो स्कीम लेकर आए अग्निवीर की स्कीम, तो आप क्या विचार रखना चाहोगे इस पे? भाई साहब अग्निवीर की स्कीम अगर ये लागू करते हैं ना, तो ये जितने एमएलए एमपी बन रहे हैं ना, इन पर लागू करना चाहिए दोनों पार्टियां ने अग्निवीर स्कीम को। अच्छा, कि भाई एक बार जिसको टिकट मिल जाएगी, जो बन जाओगा अटके, उस आदमी को टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। अच्छा, विशेष तौर पर भैया ने कहना चाहूंगा इन दोनों पार्टियां पांडा छुटा गए। अच्छा, जिस जिस हल्के ते, जिस जिस क्षेत्र ते बढ़िया कोई भी निर्दलीय भाई उठ रहा हो। अच्छा, चाहे वो किसी पार्टी का उठ रहा हो, उनका वोट मतदान करो, बस यह अपील है। वो चाहे किसी पार्टी विशेष का किसी का भी हो। जैसे बताना चाहूंगा, अच्छा, अपना गन्नौर हल्के में एक देवंदर काद्यान भाई उठ रहा है। अच्छा भाई, पहले वो बीजेपी पार्टी में था जी। 10 साल तक करीब ने बीजेपी पार्टी में रहकर लोगों की सेवा। अच्छा, अपने क्षेत्र की सेवा। अच्छा, अरे बीजेपी पार्टी ने उसने टिकट नहीं दी। अच्छा, और तो उस भाई ने वहां की जनता उसने चाहे थी। अच्छा, और दो इसी वजह से उस जनता ने चाह के जनता ने उनको टिकट दी है। अच्छा, और उस भाई ने निर्दलीय का पर्चा वहां तक दर्ज कराया है। और मेरे ख्याल से वो भाई 50,000 और लाख लाख वोटा के बीच में
देवेंद्र का दण भाई है जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीत दर्ज करेगा और बुझो भाई पत्रकार मोद और कहीं की बुझ नहीं होता है। ये देखो जिस तरह की बीजेपी की आप बात कर रहे थे, बीजेपी ने काम ने बिना खर्ची बिना पर्ची अपने बाल का नौकरी दी है, वो तो लोग नौकरी दी है फिर नौकरी रह कर रही है भाई साहब। नौकरिया का दहीसा है, नौकरी तो इन्हें छोड़िए नहीं किता है, कोई 10,000 में, कोई 5,000 में, कोई 20,000 में नौकरी ना बोलते उन्हें, वो तो पापड़ पेल रहे हैं बेचारे, धर्म धक्के खा रहे हैं। हाँ ना तो नौकरी बीजेपी ने दी और ना कांग्रेस ने दी, बीजेपी ने भी भाई थोड़ी बहुत दी है और तो वो शर्म रोजगार बताओ है कौन सा रोजगार बताओ है उसके माध्यम से दी है, वो भी ठेकेदारी की प्रथा है, ठेकेदारी तो भाई अच्छी नहीं है ये ठेकेदारी प्रथा। आप ठेकेदारी की बात करो, इन्हें हमने ठेकेदारी प्रथा खो दिया, हमने सक्षम ले दिया भाई, सक्षम है और ये बार बार उन उम्मीदवार ने टिकट दे देगा क्यों मैदान में कुदारे, आदरणीय मोदी साहब आवाज में सुन रहे थे उन तभी निवेदन है ये नुकार थे भाई हम राजतंत्र बदली करेंगे, वो उम्मीदवार बार बार मैदान में आ रहे हैं भाई, पहला 1996 में गवाने हल्के था एक उम्मीदवार उठा था अरविंद शर्मा निर्दलीय, इन लोगों ने तन मन धन था उसका साथ दिया, लोग तो साथ तो दे दें हिसे से उम्मीदवार का, फिर ये उम्मीदवार तो टोए ना पाते पत्रकार महोदय, जुलम की बात तो यह है। उसके बाद वो करनाल भाज गया, करनाल से फिर रोहतक भाज गया, इव रोहतक तो अरविंद शर्मा को 1,76,000 वोटा दा हराया और इव वो हार गए, इव गवाने हल्के वोट दिया भाई वो गवाना हल्का देखो इव उसकी किसी झोली भरेगा, 50,000 दा रहा होगा 1,00,000 दा रहा होगा भाई, इस बात का मन नहीं मेरा। अच्छा अब बात करें गवाने हल्के की, गवाने हल्के मतलब जगबीर एमएलए है उसने मतलब 25-30 साल हो गए बने हुए ने लोग नु कहा कि ने कोई विकास नहीं करया, आपके क्या विचार रखना चाहोगे भाई साहब? जगबीर मलिक मारा ताऊ है, बुढ़ा है भाई, सम्मान के लायक है, इब उसने तो ना मारे ताऊ ने नू करके पत्रकार साहब अपनी खाट नू पकड़ लेनी चाहिए भाई। अच्छा अपनी खाट पर नू सो जाना चाहिए भाई, बड़का तो उसने नू कह देना चाहिए बड़को युवा साथियों जो थारे हल्के में तो बढ़िया उम्मीदवार है ना मैं उसके साथ हूँ और उसने पार कर दो, उसके मार्गदर्शन में मैं सरकार चलाऊंगा, पर लेकिन वो भी धनुचा हुआ है ना मैं भाई इस कुर्सी पे नू मरूंगा भाई, बता भाई इसी राजनीति हो रही है नू हम तो कति दादा लाई कुर्सी समझ रहे इसने, ऐसे हमारे आदरणीय भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा है हमारे ताऊ वो भी नूचा हुआ है भाई, इतना मैं रहूं मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री फिर मेरा बेटा भाई नू नू तो फिर ये जो गरीब भाई बालक है जो सेवा कर रहे है जो गामा में सरपंची में सेवा कर रहे है जो जिला परिषद बन गए सेवा कर रहे इन गामा की इन लोगों के बीच में रहो है पत्रकार महोदय, इनका नंबर कदा होगा फिर दीपेंद्र का छोरा हो जाएगा भाई, फिर जगबीर का मलिक का छोरा हो जाएगा, परिंदर रघबीर का दयान का छोरा हो जाएगा, जुगर मैम हल्के तो आदरणीय हमारा ताऊ दांगी साहब का बेटा बलराम दांगी तो टिकट दे दी भाई हल्के में, इन हल्के में और कोई उम्मीदवार नहीं कांग्रेस के पास, ऊतन कांग्रेस की लहर बीजेपी की लहर वो पुराने खागड़ा ने देते आ रहे टिकट, कदे उसका पोता कदे उसका बेटा कदे बीजेपी कदे कांग्रेस या ये देखते आ रहे भाई साहब ना तो शिक्षा में कोई काम होया आज तक, सारे तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए, 2-3 लाख रुपये हर महीना अपने बच्चे की फीस प्राइवेट स्कूल में दू क्या था भाई, जब वोट ये लेवा है इन एमएलए एमपी ने सारा ने बढ़िया बढ़िया स्कूल बढ़िया बढ़िया कॉलेज बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी और बढ़िया बढ़िया अस्पताल अपने नाम का बनवा रखे इन विदेशा में, इतनी धरती इतनी जमीन इतना रुपया मारे खून पसीने का ना सारा दाब रखा इन। अच्छा अच्छा हाँ ये किसान की फसल देख लो इनका दाम भी जब किसान अपने खेत में मांगने जावे जब लोग हैं नाना हम जो कहेंगे ना वो दाम होगा रख फसल किसान की और फिर दाम ये बताओगे कि हम किस दाम में खरीदेंगे। अच्छा। और खाद बीज दवाई हर चीज पर महंगाई। अच्छा। हाँ और बुझो पत्रकार मुद्द तो देखो गवाने हल्के से बात करेंगे तो गवाने हल्के में अब युवाओं के माध्यम से तो जो कुछ प्रश्न निकल गए आए हैं कि ये चावा अरचकारा हुआ अरचकारा हुआ तो आपके क्या कहना भाई? बहुत बढ़िया है निर्दलीय भाई है अरज सकारा भाई बहुत समाज सेवा कर रहा है
हम तो फौज में थे भाई, जब तक देखा इस भाई का आज उड़ा बात भर रहा है, आज उड़ा गरीब की मदद कर रहा है, आज भाई फलानी जगह खिलाड़िया ने अन्याम देने जा रहा है, आज के कहा कर रहे हैं भाई उस आंदोलन में जा रहा है। जब अग्निवीर की जो स्कीम आई थी ना इस भारत देश में, अपने हरियाणा में एक लोता अरे छकारा भाई ऐसा था जिसने पूरे हरियाणा में घूम घूम के युवाओं को जागृत करके कि भाई विरोध करो इस स्कीम का, यह स्कीम है हमारे युवाओं को कति जान तय मारने की स्कीम। पर हमारे कुछ युवा नु सोचे गए भाइयों तो राजनीति फायदा उठाना चाहे है, इस वजह से बात दबी रही। फिर भी भाई हम तो नु चाहे है कि युवा साथी भाई गवाने में हो चाहे कोई निर्दलीय भाई, निर्दलीय सकारा भाई का साथ दो। ये बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टी देख ली रोड़ा पर लौटा गया, सारे वर्गा ने बूंदी त्रिया पीटे हैं, ये गरीब गए ना गरीब गए कितना काम नहीं आती, ये गरीब बात है दनु मुंह मोड़ ले अपने पक्ष दनु मुंह मोड़ ले। अच्छा हाँ बस आवे इन पत्रकार मोद गरीबा मत है। अच्छा। गरीबा की वोट वोट लेना ये घर। अच्छा। हाँ तो आप लोग बताओ कि जो अरछकारा है कि रुक के मार का पंचायत में कि अगर मैं बन गया ना जब भी उड्डा साहब दौरा जाकर भी हम तो थारे हैं, टिकट दियो चाहे दियो फिर भी हम तो थारे हैं, इस पाप का विचार रखना चाहो भाई। इस चीज पर तो मैं कहना चाहूंगा वो उस भाई की व्यक्तिगत राय है, शायद हो सके वो नु सोचा है कि मैं भाई उड्डा साहब की अगर सरकार बनने में नजदीक लगती है तो मैं उड्डा साहब ने समर्थन करके और अपने इस गोहाना क्षेत्र का भाई ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकू। जो आज तक हमारा ताऊ जगबीर मिलक 28-30 साल तक खाट पर लोटा है, लोटा लोटा है दनु कोनिया तक क्या जोड़ गए, ये जितने नेता नु कोनिया तक क्या जोड़ गए हमारी वोट ले गए और वे खाटा वे दनु सूते रह जाए पत्रकार महोदय नु सो जा घर आ जा गई। अच्छा अच्छा फिर इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, फिर ये अपने घर आ गला ले बार ताले इसे मोटे मोटे और फिर उनको है भाई इसने वोट दी थी ना दी थी, इसका काम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। अच्छा। भाई प्रजातंत्र में वोट चाहे किसी ने दी हो चाहे ना दी हो भाई वोट दी है जब दो बढ़ता होगा जी बिल्कुल। भाई जो पांच बैच है हमारा ताऊ बन रहा है वो इन हल्के के मान लेते चाहे हमारा ताऊ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ला लो चाहे हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा ने ला लो, यो बरोदा के मारे मोर बताऊंगा अपने भाई ने। अच्छा। बरोदा में मारे ताऊ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले जो उपचुनाव हुआ था उसमें वादा कर भाई मैं ना बरोदा वाला था जोड़ गए वो भाई तम बालू ने बना दो और अगले गेड़ में कपूर नरवाल से टिकट दूंगा, इब के ना कपूर नरवाल से भी टिकट ना दी भाई इनका जुबान को न रे रे किसे के भी। अच्छा। हाँ बेजुबानी घोड़े हो रहे हैं और जब इलेक्शन आवे हमारे आदमी ने की गेला ले 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 होके जो विशेष तौर पर भाई यह बात करना चाहूंगा निर्दलीय इस पूरे हरियाणा में जहां तक भी जो जो अच्छा साथी उठ रहा है चाहे वो बीजेपी पार्टी का है चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है चाहे वो निर्दलीय पार्टी का है उन भाइयों ने सारे सपोर्ट करके और अच्छी वोटा दे देता हूं इस हरियाणा में इबके ने जो सरकार आओगी ना भाई साहब निर्दलीय सरकार बनावेंगे निर्दलीय। अच्छा भाई साहब हाँ तो एक बात बताओ कोई भी है हल्का ये चाह की बदलाव आ तो आपके अनुसार किस तरह बदलाव आ सकता है। भाई बदलाव तो ये युवा क्रांतिकारी लाएंगे जो दिन रात मान ले युवा की आवाज ने उठावे हैं, जो जो किसान आंदोलन के बारे में बताता हूँ भाई साहब आपने ये कांग्रेस वाले और ये बीजेपी वाले जब किसान आंदोलन चला ना खालिस्तानी पाकिस्तानी अफगानिस्तानी और बोला ये तो कांग्रेस के हैं ये तो बीजेपी के हैं कि बरा के ताने सुन कर रहना पड़ा ही समाज ने समाज को तोड़ने का काम कर इन दोनों पार्टियां ने तेरा भी ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने बैठा ही रखे उड़े बॉर्डर पे और रही कांग्रेस पार्टी भाई साहब कांग्रेस पार्टी ने भी किसी का सपोर्ट नहीं करा था एक भी नेता मंत्री ने ना वहां 13 महीने बैठे रहे बॉर्डर पे जागे नहीं देखा उस बॉर्डर पे दुख की बात नहीं उस कांग्रेस ने क्यों कर वोट दे देंगे राम जिसने 13 महीना तक हर जाति हर वर्ग को 13 महीना तक उड़े बॉर्डर पे बैठे रखे भूल गए तम सारी पार्टियां ने लठ मारे थे उड़े और फिर 26 तारीख जो परेड करने गए थे जब भी किसान आंदोलन को
बर्बाद करने की तैयारी करी थी दोनों पार्टियां ने। अच्छा हाँ, ये तो नू खेल रहे हैं, एक वे बीजेपी बन जाएगी, एक वे कांग्रेस बन जाएगी। बस जो गांव में, जो देहात में, जो लोगों के बीच रहते हैं, जो गरीबों की आवाज बनकर सेवा करते हैं, वह सेवा इनका दूर दूर तक तो पत्रकार महोदय। अच्छा, तो देखो अर्चकार ये बात करते हैं, काफी उसका चर्चा हो रहा है कि अर्चकार नु बाबा ये माना हर जगह जाकर कि हर गांव में जाकर मैंने बात भरे हैं, किसी की मदद करिए, चाहे तो वो फसल न लेकर हो या फिर घर न लेकर हो या फिर ब्याह न लेकर हो या फिर और प्रकार की मदद है। भाई अर्चकार अभी मैं तो नू कहना चाहूँ भाई गवाने हल्के तो बताओ निर्दलीय उठ रहा है, वो भी ताकतवर भाई है। भाई किसान आंदोलन हुआ था जब उड़े थे शंभू बॉर्डर ते, जो किसान आवे थे उनने भाई उड़े बैरियर तोड़ गए, हरियाणा में एंट्री करवाई थी, फिर उनका स्वागत करके अरज सकारा उड़े सिंधु बॉर्डर तक पहुंचे थे, फिर पूरे उस आंदोलन में पूरी योगदान पूरी भूमिका ने भाई दा भाई साहब ने अरज सकारा ने, वो भी भाई युवाओं की आवाज है, मातृ बहनों की आवाज है, उनकी ताकत है। जिसके है ना, जिसके ये 100-100 रुपये जो 5-5 रुपये पेंशन ले बैठे और जिनकी 5-5, 10-10 लाख रुपये पेंशन बन रही ना, जिन गरीबा गए ये ब्याह में शादी ये कार्ड पचा हुआ है, हर गरीब आदमी अमीर गए 100-100 रुपये 200-200 रुपये कन्यादान भी ना पचाते भाई साहब, और तो मदद कितकी करें थे ये। उस भाई का तो मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा रू भाई, आज फलानी जगह बात भर दिया, छोटी मोटी बात ना भाई। बिल्कुल, तो भाई आप सभी ने किसान की तो किसाना की मदद कर जाओ है भाई, वो हरस भाई बताओ हम तो इस फोन के माध्यम से देखा रहा भाई, हर युवा की आवाज बनना चाह रहा है वो भाई भी। भाई हम भी नू चाहे है कि गवाने हल्के था एक युवा नौजवान शक्तिशाली क्रांतिकारी हरस सकारा भाई युवाओं के लिए इस हरियाणा का और इस गोहाना हल्के का नेतृत्व करे, निर्दलीय उस भाई ने जिताओ। कहन कहन दे नहीं होया अरदा भाई, जो भाई भी जिस भी निर्दलीय की मदद करना चाहो है वो अपने तन ते और मन ते उनकी गेला ला के, डरना किस बात का भाई। बीजेपी बीजेपी खवारी है हमने ना, कांग्रेस खवारी ना बीजेपी खवारी, जिस जिस हल्क्या दे बढ़िया कैंडिडेट उठ रहे हैं उन तो अपनी वोट का अपना ताकत दिखाओ, ताकत दिखाने का समय आ चुका है। चाहे वो रथ सकारा मैदान मार रहा है उसके साथ ताकत दिखाओ, अपने सारे युवा साथी, चाहे अपना देवेंद्र का दन भाई उठ रहा गन्नौर ते उसके साथ ताकत दिखाओ, चाहे अपना भाई जसी पेठवाड़ उठ रहा भाई उड़े थे यो किए बताओ है नारनोन ते। अच्छा, वो भी बढ़िया भाई है भाई, उसका भी सपोर्ट करो। और अपना और 2-4 भाई है भाई जिनकी हम वीडियो देखते रहा अगर है। बिल्कुल, हाँ इन पार्टी आ रहा ना था भाई, नू हमारे आपस में लड़ाई रखनी है, इबके ने 5 साल में राज करूंगा, इबके ने मैं करूंगा, और ये पार्टी आ रहे ना इन निर्दलीय भाइया ने अरे समाज सेविया ने कति आगे नहीं आने देने सर, हाथ जोड़ेगा भाई फौजी भाई थारे सब युवाओं का भाई एक अपील करे है कि इबके ने हरियाणा में नू दिखा दो कि भाई किसी जिनने इन पार्टियां ने साथ नहीं दिया ना, अर्धा हमने अपनी न्यारी सरकार बना दी, इब की बार तीसरी सरकार बनाएगी, वह सरकार बनाएगी भारत जनता मोर्चा सरकार अड़ेगी, जो जनता ना वह सरकार बनाओगी पत्रकार मौत है। बिल्कुल ठीक है भाई, तो आप सभी ने फौजी भाई की बात सुनी है, किसी की लागे कमेंट करके सारे जने बताइयो, और इसने कौन सी बात गलत कही है, कौन सी बात ठीक कही है, तो इसके बारे में कमेंट करिए। एक मिनट और बताना चाहूंगा पत्रकार मौत है भाई, महाराज जो सत्य मैन है शिक्षा स्वास्थ्य और पानी, ये तीन चीज हम मांगते आ रहे हैं आज तक। हाँ ये तीनों चीज है ना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, फिर ये सरकार हमने फूकनी है भाई, के दा मारा भूपेंद्र, के दीपेंद्र और के मारा मोदी, तो इस तरह बढ़िया था जो हमारे बीच में समाज में जो कार्य करे है ना देवेंद्र कादयान वर्गे भाई, अरज सकारा वर्गे भाई और जस्सी पेटवाड़ वर्गे भाई, बलराज कुंडू मारा निर्दलीय उड़े थे मैम थे इलेक्शन लड़ा था, वो भी भाई साहब बड़ी सेवा कर रहा है, 20-30 40 बस चलाना अच्छी खेल की बात नहीं है, ये तीन तीन रुपए 4-4 रुपए मंत्री रह लिए, ये गरीबा का तरह ना एक ऑटो नहीं चला सकते भाई साहब, रोड बाटो ये तो जेब मत दे, जेब मत रुपये काट काट सके लूट लूट सके। अच्छा हाँ,
तो भाई साहब ये मदद नहीं कर सकते गरीब आदमी की। तो भाई साहब आपने फौजी भाई का भाषण सुना है, फौजी भाई ने इंटरव्यू दिया अपना, तो कैसा क्या लग गया भाई? जितने भाई देख रहे कमेंट कर दो और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और सारे जने भाई कमेंट कर दियो सारा ने। जय माता की।